आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बीते महीने परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, कि ये नवंबर महीना परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बीती रात संभाल कर एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवादी हैं। तो आइए हम इस सुबह में परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन को गाएंगे। मुझे जिंदगी में मसीहा न मिलता, मुझे जिंदगी में मसीहा न मिलता, अगर तू मसीहा मेहरबान होता। मुझे जिंदगी में मसीहा न मिलता, अगर तू मसीहा मेहरबान होता। मुझे जिंदगी में, मुझे जिंदगी में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि ये स्तुति प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो। पिता आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने। भजन संहिता 128 और उसका 1-4 पद। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस महीने हमें ये सुंदर आशीष दी है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई उसका भय मानता है, जो कोई उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसकी कमाई पर आशीष देता है और उसका जीवन में हमेशा भला ही होता है। उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी फलवंत दाखलता के समान होती है जो हमेशा फलों से लदी हुई होती है। उसके बच्चे बहुतायत से आशीष पाते हैं। जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो महिला परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर उसको ऐसी ही आशीष देगा। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु आज आपको ये आशीष देता है कि आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। आपकी कमाई पर प्रभु आशीष देगा और आपका हमेशा भला ही होगा। आपकी स्त्री फलवंत दाखलता के समान होगी और आपके बच्चे आशीषित होंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु जी आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु हमारे जीवनों में दिया। परमेश्वर पिता धन्यवादी हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है कि इस महीने में परमेश्वर आपने हमें आशीष दी है। पिता आपके वचन के अनुसार हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप दयावंत परमेश्वर हैं, आप भला करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। प्रभु जी आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं विशेषकर प्रभु कि आपने बीते महीने प्रभु हम सबको संभाला। पिता परमेश्वर एक नया महीना प्रभु आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस पूरे महीने के लिए मेरे प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता। हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, उन सब के लिए प्रभु, इस पूरे महीने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी सुख समृद्धि आशीषें बनी रहें प्रभु जी। प्रभु हर एक के जीवन के लिए प्रभु हम आपकी आशीषों को मांगते हैं प्रभु। जो आज आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने कहा है कि जैसे प्रभु आपका वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों के समान होंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने इतने सुंदर वचन के द्वारा हम सबको इस महीने भर में आशीष दी है
हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक के परिवार पर आप आशीष दें, हर एक की कमाई पर आप आशीष दें, हर एक के बच्चों पर आप आशीष दें प्रभु, हर एक की स्त्री पर, हर एक के पति पर प्रभु आप आशीष दें पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं परिवार में हर एक प्रकार की आशीषें आप दें, क्योंकि प्रभु इस महीने आप अपने वचन के द्वारा हमें आशीषों से तृप्त करते हैं, क्योंकि आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पूरे महीने में आप हर एक को खतरे मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, तंगी से, कलेश से, कर्जों से प्रभु बचाएं पिता परमेश्वर, शैतान की गलत युक्तियों से आप बचाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को प्रभु आप पिता परमेश्वर आशीष दें पिता परमेश्वर, विशेषकर हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनको पिता परमेश्वर आशीष दें, उनकी पढ़ाई लिखाई पर आप आशीष दें पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर आशीष दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु गलत संगतियों से प्रभु इस पूरे महीने में आप बचाएं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आज के दिन में बीमार हैं प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छू लीजिए और उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस पूरे महीने में प्रभु हर एक जन के कार्य बनने पाएं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष आए प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी शांति आए, हर एक के जीवन में आपका आनंद आए प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु लोग तुझसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस महीने में आप उनकी विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें आशीष दें, उनके जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें, क्योंकि आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक जन प्रभु अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु, और उनका हमेशा भला ही हो, वचन के अनुसार कि हर एक का भला ही होगा प्रभु यीशु, आप हर एक का भला करें प्रभु जी। पिता जो अपने शादी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं प्रभु उन्हें आशीष देता है। इस वचन के अनुसार प्रभु उनसे कहता है कि तुम्हारा भला ही होगा प्रभु। आपका वचन हर एक के जीवन में फलवंत हो प्रभु। जो वचन आज के महीने, इस आज के दिन में आपने दिया है प्रभु, प्रभु जी आप प्रभु जी उसे हर एक के जीवन में फलवंत करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक के साथ में आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, और सबको तेरे नाम से नामो नाम आशीष देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, और पिता परमेश्वर आपने सबको इस पूरे महीने में आशीष दी है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।